हाय दोस्तों, कैसे हो? हमारे चैनल पर जो मुझे लगता है दिसंबर का मोस्ट पॉपुलर फोन रहा वो था Realme GT Neo 2। एंड यहाँ पर इसके हमने काफ़ी सारे कंपैरिजंस किए, कैमरा कंपैरिजन, बैटरी टेस्ट ऑल्सो। बट मुझे ऐसा लगा कि एक और काफ़ी रेलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन है जो कि करना चाहिए, Realme GT Neo 2 वर्सेज OnePlus Nord 2। तो आज हम करने वाले हैं इनका एक FAQ स्टाइल कंपैरिजन। तो इन दोनों डिवाइसेस से रिलेटेड जितने भी आपके मन में डाउट्स थे आज की वीडियो देखने के बाद एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वही डिजाइन का है, तो डिजाइन की ही बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कौन सा फोन ज्यादा कॉम्पैक्ट है तो वो मुझे OnePlus Nord 2 लगा। बट अगर मैं बात करूं बिल्ड क्वालिटी की तो बिल्ड क्वालिटी मुझे Realme GT Neo 2 की थोड़ी ज्यादा बेटर लगी। इवन तो दोनों ही फोन यहाँ पर आपके प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं, बट जो Nord 2 है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्लास्टिक वाइब्स देता है। बट यहाँ पर आपको Realme GT Neo 2 पकड़ के ऐसा लगेगा कि स्लाइट मेटालिक फिनिश है, बट हाँ है ये भी प्लास्टिक ही। अब देखो OnePlus से तो मैंने मिड रेंज में IP रेटिंग एक्सपेक्ट करना एकदम बदी कर दिया है, बट यहाँ पर Realme GT Neo 2 में भी कोई IP रेटिंग देखने को नहीं मिलती। दोनों ही फोन्स 30,000 से 40,000 के ब्रैकेट में आते हैं, बट दे डू नॉट हैव एनी IP रेटिंग्स। इनफैक्ट कई फोन्स इनसे सस्ते प्राइस रेंज में भी IP रेटिंग ऑफर कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स स्लाइट ऑफ अ कंसर्न, बट ठीक है, शायद काम चल जाएगा। अब बात रही 3.5 mm हेडफोन जैक की, तो OnePlus Nord 2 में मिसिंग है एंड Realme GT Neo 2 में भी मिसिंग है। दोनों में आपको देखने को नहीं मिलता, बट हाँ आप नीचे टाइप सी स्लॉट यूज करके एक टाइप सी वाले ये फोन जरूर लगा सकते हो। अब बात रही रिफ्रेश रेट की, तो Realme GT Neo 2 में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, वहीं OnePlus Nord 2 में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है। बट लेट्स टॉक अबाउट द सेटिंग्स। तो यहाँ पर सेटिंग्स में आपको Realme GT Neo 2 में ऑटो सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपका यहाँ पर डिवाइस को अडेप्टिव रिफ्रेश रेट पर शिफ्ट कर देता है। बट इफ आई टॉक अबाउट द OnePlus Nord 2, तो यहाँ पर जब आप 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सेलेक्ट करते हो तो तभी ऑटोमेटिकली आपका डायनामिकली रिफ्रेश रेट चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू योर यूजेज। तो यहाँ पर आपका कोई ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन अलग से नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर आप इतने महंगे महंगे फ़ोन ले रहे हो तो आई एम श्योर डिस्प्ले प्रोटेक्शन मैटर करती है। तो यहाँ पर Nord 2 एंड GT Neo 2, यहाँ पर दोनों में ही आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की डिस्प्ले प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। देखो वैसे तो अगर मैं ऑन पेपर्स जाऊं तो OnePlus Nord 2 और GT Neo 2 दोनों में ही आपको HDR प्लेबैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बट जब मैं यहाँ पर Netflix चलाता हूँ तो मैंने नोटिस किया कि दोनों ही फोन्स में आपको HDR का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो मैक्सिमम सेटिंग्स हैं वो सिर्फ HD पर ही रिस्ट्रिक्टेड है दोनों फोन्स में। नाउ दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट AMOLED डिस्प्लेज, यहाँ पर आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे सकते हो। तो यहाँ पर GT Neo 2 और Nord 2 दोनों की डिस्प्लेज काफ़ी सुंदर हैं, काफ़ी बढ़िया हैं, और यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। बट जैसे कि मैंने Nord 2 में बताया था कि इसका फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो थोड़ा सा हार्ड प्रेस के बाद चलता है, तो मतलब अगर आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको डिस्प्ले को स्लाइटली हार्डर प्रेस करना पड़ेगा। बट दैट्स द गुड थिंग अबाउट GT Neo 2 कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्लाइटली फिंगरप्रिंट के ऊपर जाते ही ये अनलॉक हो जाता है, ज़्यादा हार्ड प्रेस नहीं करना पड़ता। तो मेरे हिसाब से फिंगरप्रिंट सेंसर बेटर आपका Realme GT Neo 2 का रहता है। नाउ दिस वन थिंग जो कि मिसिंग रहती है मोस्ट ऑफ द मिड रेंज फोन्स में एक्सेप्ट फॉर आईफोन 11 ऑफ कोर्स, यहाँ पर Realme GT Neo 2 एंड OnePlus Nord 2 दोनों में ही वायरलेस चार्जिंग फीचर आपको देखने को नहीं मिलता है। अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग मिड रेंज फोन्स में वायरलेस चार्जिंग एक्सपेक्ट करते हो या नहीं, एंड क्या आप में से कोई वायरलेस चार्जिंग एक्चुअली में यूज भी करता है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, एंड मेक श्योर अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब बात करें अगर यहाँ पर स्पीकर्स की, तो आपको दोनों ही फोन्स में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा सराउंड साउंड इफेक्ट आता है। बट हाँ यहाँ पर जो ऑडियो एक्सपीरियंस है उसमें स्लाइटली डिफरेंस है, जो कि मैं आगे चल के आंसर करने वाला हूँ। फॉर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओवरहीटिंग इश्यूज की, तो हाँ OnePlus Nord 2 में मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, एंड आई थिंक आफ्टर ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स ऑल्सो मैं यही बोलूँगा कि Nord 2 में आपको स्लाइटली ओवरहीटिंग इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। अब ओवरहीटिंग की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है। मैं अगर बोलूँ तो मुझे 44-45 डिग्री सेल्सियस भी काफ़ी ज़्यादा गर्म लगता है फॉर एनी डिवाइस, जो कि Nord 2 में काफ़ी बार टच हो जाता है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Realme GT Neo 2 की, तो यहाँ पर जो हीट डिसिपेशन सिस्टम है वो काफ़ी सही है, इतना ज़्यादा हीट नहीं होता, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने इसे 40-42 डिग्री सेल्सियस तक ही जाते हुए देखा है। तो आई थिंक दैट्स गुड इनफ अगर आप हैवी गेमिंग करते हो, ज़्यादा कैमरा वीडियो चलाते हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिवाइस तो हीटअप हो ही जाता है। OnePlus Nord 2 में आपको यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि OnePlus अपने मिड रेंज फोन्स में देता है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Realme GT Neo 2 की, तो यहाँ पर आपको एक एडवांस्ड स्टेनलेस स्टील वेपर चेंबर कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर एडवांस्ड टेम्परेचर कंट्रोल एंड हीट डिसिपेशन ऑफर करता है। इसके अलावा एक्चुअली में एक एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट करना पड़ेगा टू चेक आउट कि यहाँ पर आपका हीटिंग कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता। तो अगर आप चाहते हैं हम वो वाली वीडियो लेके आएँ, तो मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। अब बात करते हैं हमारे गेमिंग लवर्स के लिए, जो कि 30,000-40,000 के सेगमेंट में एक गेमिंग फोन ढूंढ रहे थे। लेट मी टेल यू, यहाँ पर Realme GT Neo 2 में आपको VGMI में HDR ग्राफिक्स के साथ एक्सट्रीम फ्रेम रेट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। बट इफ आई टॉक अबाउट द OnePlus Nord 2, तो ये थोड़ा सा आपको मिड रेंज वाली फील दे देता है, क्योंकि यहाँ पर आपको HDR ग्राफिक्स के साथ सिर्फ अल्ट्रा फ्रेम रेट का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा दोनों ही फोन्स बाय डिफॉल्ट 90 FPS सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे कि आपको Realme X7 Max में देखने को मिल जाता था। बट अगर बात करें COD ग्राफिक्स की, तो वहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। वेरी हाई ग्राफिक्स के साथ यहाँ पर आपको Max का सपोर्ट देखने को मिलता है इन Realme GT Neo 2, बट OnePlus Nord 2 में आपको वेरी हाई ग्राफिक्स के साथ सिर्फ वेरी हाई फ्रेम रेट का ही ऑप्शन मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ग्राफिक सेटिंग्स की, तो दोनों फोन्स में अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर Realme GT Neo 2 में आपको LPDDR5 RAM के साथ UFS 3.1 स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूँ OnePlus Nord 2 की, तो यहाँ पर आपको LPDDR4X RAM के साथ UFS 3.1 स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो स्लाइट डिफरेंस है यहाँ पर। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक्चुअल में CPDT टेस्ट रिजल्ट्स की, जिससे कि एक्चुअली में पता चलता है स्टोरेज स्पीड्स क्या रहती हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पर डिफरेंस देख ही सकते हैं। सिक्वेंशियल राइट स्पीड यहाँ पर Realme GT Neo 2 की बेटर रहती है, वहीं जो सिक्वेंशियल रीड स्पीड है वो OnePlus Nord 2 की GT Neo 2 को आउट परफॉर्म कर देती है। यस, अगर आपको यहाँ पर डुअल ऐप्स चलाने का शौक है, जैसे कि डुअल इंस्टाग्राम, डुअल फेसबुक, डुअल व्हाट्सएप, तो आप दोनों ही फोन्स में चला सकते हो। बट हाँ, दोनों में नाम अलग अलग है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर दोनों ही फोन्स का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। तो यहाँ पर Realme GT Neo 2 में इसको नाम दिया गया है ऐप क्लोनर का, वहीं OnePlus इसको पैरेलल ऐप के नाम से बुलाता है। अब बात करें अगर 5G कैपेबिलिटी की, तो दोनों ही फोन्स आपके 5G सपोर्ट के साथ आते हैं। बट डिफरेंस यहाँ पर यह है कि Nord 2 में आपको 9 sub-6 GHz 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है, वहीं Realme GT Neo 2 में आपको 7 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब जो ब्लोटवेयर वाला कंसर्न है, मुझे लगता है काफ़ी सारे कंज्यूमर्स का रहता ही है। अगर आप एक नया फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले आप ये ज़रूर चेक करते हैं कि कितना ब्लोटवेयर मिलता है, कितनी थर्ड पार्टी ऐप्स नोटिफिकेशंस आती हैं। तो डोंट वरी, लेट मी टेल यू, Realme GT Neo 2 में आपको अराउंड 10 एक्स्ट्रा अनवांटेड ऐप्स देखने को मिल जाती हैं, जिसको हम ब्लोटवेयर का नाम देते हैं, जो कि आप डिलीट कर सकते हो। बट यहाँ पर स्टिल कुछ ऐसा ब्लोटवेयर है जो आप नहीं हटा पाओगे। ऑब्वियसली थर्ड पार्टी नोटिफिकेशंस आप मैनुअली जाकर सारी डिसेबल कर सकते हो। बट अगर मैं बात करूँ OnePlus Nord 2 की, तो यहाँ पर आपको स्लाइटली क्लीनर UI देखने को मिलता है। सिर्फ 3-4 ऐसी ऐप्स हैं जो कि अनवांटेड रहती हैं, प्री इंस्टॉल्ड होकर आती हैं, जैसे कि Amazon Prime, Netflix, बट आई एम श्योर ये वाली वही ऐप्स हैं जो कि आप फ़ोन लेने के बाद डाउनलोड भी करते हो। तो ऐसा कुछ अनवांटेड नहीं है यहाँ पर। तो ये डिफरेंस है मेजर जो कि ब्लोटवेयर में आपको देखने को मिलता है। Realme के एटलीस्ट अपर मिड रेंज वाले फोन से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अब बात करें हैप्टिक फीडबैक की, तो यहाँ पर OnePlus Nord 2 में आपको OnePlus Advanced Haptics 2.0 देखने को मिल जाता है,
एंड साथ ही में यहाँ पर एक एक्स एक्सिस लीनियर मोटर दी गई है फॉर एन एनहांस्ड हैप्टिक एक्सपीरियंस। वहीं अगर मैं बात करूँ रियलमी GT Neo 2 की, तो यहाँ पर आपको एक टैप्टिक इंजन 2.0 देखने को मिलता है जो कि अगेन एक्स एक्सिस लीनियर मोटर पर बेस्ड है। एंड लिटरली यू वॉन्ट बिलीव मी, बहुत समय बाद OnePlus के टक्कर में अगर कोई बढ़िया फोन हैप्टिक फीडबैक ऑफर करता है तो वो है Realme GT Neo 2। मेरा जो ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस था, टच सेंसिटिविटी की बात करूं तो वो सब Realme GT Neo 2 में काफी बढ़िया रहा, इनफैक्ट स्लाइटली बेटर देन द OnePlus Nord 2 इटसेल्फ। अब आपको यहाँ पर डायनामिक शॉट्स लेने का शौक है, आपको हाई रेजोल्यूशन में पिक्चर्स खींचना पसंद है, तो लेट मी टेल यू दोनों ही फोन्स में आपको हाई रेजोल्यूशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। Realme GT Neo 2 में दिस इज कैप्ड एट 64 मेगापिक्सल, वहीं अगर मैं बात करूं OnePlus Nord 2 की तो यहां पर आपको 50 MP हाई रेजोल्यूशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब बात करें अगर वीडियो कैपेबिलिटीज की तो यहां पर भी डिफरेंस देखने को मिलता है। जी हाँ, हल्का फुल्का प्राइस डिफरेंस है और डिफरेंस काफी सारे हैं दोनों फोन्स में। आपको Realme GT Neo 2 में 4K 60fps का वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, बट यहाँ पर OnePlus Nord 2 में दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू 4K 30fps ओनली। अब जिन लोगों को सिनेमैटिक मोड में वीडियो शूट करना पसंद आया iPhone 13 में, मैं उनको बता दूं कि आप अपने OnePlus Nord 2 और Realme GT Neo 2 से भी बोके इफेक्ट के साथ पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर आप बोके का मेजर भी सेट कर सकते हो फ्रॉम 0 to 100%। यहाँ पर दोनों ही फोन्स का इंटरफेस एकदम सेम है एंड आप दोनों ही फोन्स में ये फीचर यूज कर सकते हो। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप बोके इफेक्ट यूज करते हो इन पोर्ट्रेट वीडियोस, तो आपका यहाँ पर जो वीडियो रेजोल्यूशन है वो 1080p 60fps पर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, 4K में आप ये नहीं कर पाओगे। अब जिन लोगों ने हमारी वीडियोस देखी है OnePlus Nord 2 की, पहले भी मैंने कितनी बार बताया है कि यहाँ पर आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए OIS एंड EIS दोनों ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बट बात करें अगर Realme GT Neo 2 की, जो कि यहाँ पर Realme क्लेम करता है अपना एक ऑलमोस्ट अ फ्लैगशिप फोन, वहाँ पर आपको OIS देखने को नहीं मिलता, यू जस्ट गेट द EIS स्टेबिलिटी। सो यहाँ पर ये हल्का सा जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलता है इन दोनों फोन्स में। वैसे तो आजकल डोल्बी एटमोस सपोर्ट काफी कॉमन हो गया है मिड रेंज फोन्स में, बट अगर मैं बात करूं OnePlus Nord 2 की, तो इंस्टेड ऑफ द डोल्बी एटमोस सपोर्ट यहां पर आपको डायरेक्ट ऑडियो ट्यूनर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको मल्टीपल 3-4 साउंड प्रोफाइल्स देखने को मिलती हैं फॉर एनहांस्ड ऑडियो एक्सपीरियंस। बट अगर बात करूं यहां पर Realme GT Neo 2 की, तो यहां पर आपको डोल्बी एटमोस सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब यहां पर अगर मैं ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग की बात करूं, तो आपको दोनों ही फोन्स में एग्जैक्टली सेम डायलर देखने को मिलता है एंड वही मोस्टली जो आपको एंड्रॉयड फोन्स में देखने को मिलता है, वही हाल है यहाँ पर इन दोनों फोन्स में भी। आपको ऑटो कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट्स के लिए ही मिलता है, नॉट फॉर ऑल कॉल रिकॉर्डिंग्स। और अब फाइनली बात करते हैं यहाँ पर चार्जिंग स्पीड्स की। दोनों ही फोन्स में आपको 65 वॉट्स का चार्जर देखने को मिल जाता है इन द बॉक्स विद अ USB टाइप सी केबल। बट अगर मैं बात करूं यहां पर चार्जिंग स्पीड्स की, तो मुझे Realme GT Neo 2 की Nord 2 से स्लाइटली बेटर लगी। ऑलमोस्ट 5 to 7 minutes का डिफरेंस आता है जब मैं इसको 0 to 100% चार्ज करता हूं। तो यहां पर OnePlus Nord 2 आपका अराउंड 45 to 47 minutes में 0 to 100% चार्ज हो जाता है। बट अगर मैं बात करूं Realme GT Neo 2 की, तो यहां पर ऑलमोस्ट आपको 39-40 minutes ही लगते हैं इसको फुल चार्ज करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि यहाँ पर आपको Realme GT Neo 2 में जो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, वो बेसिकली दो बैटरी पैक्स हैं ईच ऑफ 2500 mAh। एंड अब फाइनली बात करते हैं यहाँ पर रैम एक्सपेंशन फीचर की। देखो OnePlus Nord 2 में आपको कोई डेडिकेटेड वर्चुअल रैम एक्सपेंशन फीचर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर 8GB रैम वेरियंट इज 8GB रैम वेरियंट, 12GB रैम वेरियंट इज 12GB रैम वेरियंट। बट हाँ, यहाँ पर आपको एक एडिशनल सेटिंग्स में ऑप्शन देखने को मिल जाता है विच ऑप्टिमाइजेज योर रैम, जिसका नाम है रैम बूस्ट। बट अगर बात करें Realme GT Neo 2 की, तो यहाँ पर आपको अप टू 5GB ऑफ वर्चुअल रैम एक्सपेंशन का फीचर देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली 8GB रैम वेरियंट वाले Realme GT Neo 2 को
मैं अप टू 13 GB तक एक्सपैंड कर सकता हूँ यूजिंग द वर्चुअल रैम एक्सपेंशन फीचर. सो गाइज, दैट्स अबाउट द टू मोस्ट पॉपुलर मिड रेंज स्मार्टफोन्स अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ, नॉट 2 एंड रियलमी GT Neo 2. दोनों ही फोन्स काफी फेमस हैं एंड काफी अच्छे भी हैं इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइसिंग्स. बट अगर मैं बात करूँ दोनों में से कोई एक फोन चूज करने की, तो मैं वीडियो खत्म करने से पहले रियलमी GT Neo 2 को प्रेफरेंस दूंगा ओवर द OnePlus Nord 2, जिसके रीजंस मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किए एंड ऑब्वियसली काफी सारी वीडियोस में पहले भी मैं बता ही चुका हूँ. बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि इन दोनों में से आपको कौन सा फोन ज्यादा बेटर लगता है. और हाँ, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. एंड वीडियो खत्म करने से पहले राजकुमार राव की आवाज में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें.